Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we are going to do chapter number 6, that is for class 10th. Name of the book is Footprints Without Feet and name of the topic is The Making of a Scientist. कि एक साइंटिस्ट कैसे बना और कौन बनता है साइंटिस्ट. यहाँ पे रिचर्ड एब्राइट नाम का एक बॉय है, लड़का है, लेकिन वो लास्ट में क्या बन जाता है. अपना स्टार्टिंग से ही, अपने चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक साइंटिस्ट की तरह से हैं. वो रिसर्च करता है, चीज़ों को कलेक्ट करता है और वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बनता है. कि सेल की जो वर्क है, सेल का जो काम, सेल का जो प्रोसेस है, मीन्स हाउ सेल्स वर्क, हमारी जो सेल्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं, ये जो भी साइंस में सेल के वर्क की जो देन है वो रिचर्ड एब्राइट की है. तो यहाँ जो ये चैप्टर है, हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं वो रिचर्ड एब्राइट हैं और उनकी मदर हैं साथ में और कुछ उनके फ्रेंड्स हैं और समटाइम्स उनके टीचर्स का भी कुछ रोल आता है. बट जो मेन कैरेक्टर हैं वो रिचर्ड एब्राइट हैं. सो लेट्स स्टार्ट. रिचर्ड एब्राइट ने जो है रिसीव किया, यहाँ पर सबसे पहले जो है वो लेसन के अंदर उनकी स्टार्टिंग भी, कौन कौन से अवार्ड उन्होंने लिए और किस में उनका जो है ज़्यादा इंटरेस्ट था. तो रिचर्ड जो एब्राइट हैं उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में और मॉलिकुलर बायोलॉजी के अंदर जो है रियल स्कॉलर पुरस्कार और शेयरिंग फ्लो पुरस्कार जो है प्राप्त किया उन्होंने. ये दोनों जो हैं अवार्ड उनको इस रिसर्च के लिए मिले. उसका जो मेन फैसिनेशन था, ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो आकर्षण था वो बटरफ्लाइज़ की साइड था. बटरफ्लाइज़ को कलेक्ट करना, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना और इसी इंटरेस्ट ने जो है उसके लिए ओपन किया वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम. जो साइंस के, विज्ञान के जो दरवाजे हैं वो उसके लिए खोल दिए इस इंटरेस्ट ने, इस फैसिनेशन ने. सो मूव टू द चैप्टर. एट द एज ऑफ 22, जब उन्होंने ये रिसर्च किया, जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया तो वो 22 साल की उम्र थी उनकी, 22 इयर्स ओल्ड थे. और एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने संसार को जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नया सिद्धांत दिया, नया न्यू एक्सपेरिमेंट जो है वो दिया. और वो न्यू एक्सपेरिमेंट था थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, किस जो सेल हैं हमारी, हमारी जो कोशिकाएँ हैं वो कैसे काम करती हैं. अब इनका कंप्लीट नेम है रिचर्ड एच एब्राइट. एब्राइट जो इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट किए, ये अपने कॉलेज के साथियों के साथ, अपने रूममेट के साथ मिलकर एक्सप्लेन किया. और इन्होंने इसको एक, ये जो थ्योरी है इन्होंने एक आर्टिकल में भी इसको एक्सप्लेन किया. और वो आर्टिकल जो है वो है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में. एक मीन्स उन्होंने एक लेख में इस पूरे एक्सपेरिमेंट की व्याख्या की. अब इसके बाद जो है, इट वाज द फर्स्ट टाइम, इट मींस ये जो एक्सपेरिमेंट था इतनी छोटी एज की उम्र में और कॉलेज के बच्चों के द्वारा किया हुआ एक्सपेरिमेंट जो है, ये फर्स्ट टाइम किया हुआ एक्सपेरिमेंट था. उसके कॉलेज के साथी थे साथ में, उन्होंने जर्नल में इसको लिखा और इसको पब्लिश किया. इसके बाद जो है उनका जो इंटरेस्ट था, एब्राइट का जो इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में भी था, बहुत सारे और खेलों में भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट था वो साइंस के फील्ड में था. अदर फील्ड्स की अगर हम कंपैरिजन करें कि कहाँ उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो फर्स्ट प्लेस के ऊपर जो है वो साइंस का इंटरेस्ट था उनका, एक्सपेरिमेंट्स का, चीज़ों को कलेक्ट करना. और एंड ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. और पूरा जो ये इंटरेस्ट है ये कलेक्शन ऑफ बटरफ्लाइज से स्टार्ट हुआ, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से स्टार्ट हुआ. एब्राइट जो है वो एक इकलौता बेटा है अपनी माँ का. और जो जब वो थर्ड क्लास में था तो उनके फादर जो हैं एक्सपायर हो जाते हैं. ये रीडिंग के नॉर्थ में जो है पेनलीवेनिया में बड़ा हुआ है. पेनलीवेनिया में नॉर्थ साइड में, वहाँ पर ये इनका जो रेजिडेंशियल है वो ये है पेनवेलिनिया में. और वहाँ जो है
वो बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग इंटरेस्ट लेते हैं, अपने साथियों में भी इंटरेस्ट लेते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, अपने बेसबॉल भी खेलते हैं, और इसके बाद जो है वो एक एक करके मीन्स उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता जाता है। बट देयर वॉज वन थिंग, लेकिन वहाँ क्या थी एक चीज़ जिसमें सबसे ज़्यादा उसका इंटरेस्ट था, आई कुड डू इट मीन्स कलेक्ट थिंग्स। इट मीन्स फुटबॉल खेलते थे, गेम खेलते थे, बेसबॉल खेलते थे, लेकिन वो एक मीन्स इतना वो नहीं था कि वो एक बहुत ही अच्छे चैम्पियन के, सर्टेनली कूडंट प्ले फुटबॉल एंड बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन। इट मीन्स एक टीम ऑफ वन, अपनी टीम के साथ वो नहीं खेल सकता था, इसलिए उसका जो मेन इंटरेस्ट था दैट इज़ फॉर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना, वो काम जो है यही काम वो कर सकता था, और ये काम उसने किया और हमेशा के लिए किया। बिगनिंग में जब वो किंडरगार्टन स्कूल में थे, मींस जब उसे उन्होंने नर्सरी क्लास से स्टार्ट किया, तो उन्होंने बटरफ्लाइज़ को इकट्ठा करना स्टार्ट किया और उनकी एक्टिविटीज़ को भी जो है ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया। उसने इसके साथ साथ रॉक्स को भी कलेक्ट किया, फॉसिल्स को भी कलेक्ट किया और कॉइन्स को भी कलेक्ट किया। ये बहुत ही एक ईगर एस्ट्रोनॉमर भी था, रात में पूरी रात जो है तारों को, पूरी रात में तारों को देखते रहते थे, एक मीन्स वो आकाश को भी मीन्स ऑब्जर्व करते थे, एक खगोल विद्या का जिसको हम हिंदी में कहते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट उनका था। ये जो है फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड मीन्स स्टार्टिंग से ही वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे चीज़ों को लेकर, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु उनकी भावना थी। उनकी माँ जो है, उनकी मदर जो है, उन्हें बहुत ज़्यादा एनकरेज करती थी, बहुत ज़्यादा उत्साहित करती थी चीज़ों को सीखने के लिए। उनकी माँ जो है उसे ट्रिप पर लेकर जाती थी, छोटे छोटे ट्रिप्स पर लेके जाना, चीज़ों को दिखाना और ऑब्जर्व करवाना। अब बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट करना एक एवर लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, तो इस तरह से उनकी मदर का एक बहुत ही ग्रैंड रोल है इनकी लाइफ के अंदर। वो टेलीस्कोप्स उन्हें ला कर देती हैं, माइक्रोस्कोप्स ला कर देती हैं, कैमराज और माउंटेन मटेरियल्स भी ला कर उन्हें देती हैं, और ये जो इक्विपमेंट हैं ये बहुत अच्छी तरह से उनकी हेल्प करते हैं। इस प्रकार जो है वो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब उसकी मदर कहती हैं कि जब उन्होंने स्कूल में जाना स्टार्ट किया तो वो उनका जो है वो अकेली उसकी कंपेनियन थी, अकेली उसकी साथी थी। उसकी मदर जो है उसके दूसरे फ्रेंड्स को भी उसके लिए घर लेकर आती थी कि उसके दोस्त आएं और साथ खेलें और वो कुछ अच्छा सीखें इस प्रकार। लेकिन रात में जो है वो अपने माँ और जो उसका बेटा दोनों ही इकट्ठे होते थे, और वो कहती है कि रिची जो है उसकी फादर की डेथ के बाद, रिची जब थर्ड ग्रेड में था, थर्ड क्लास में था, तो उसके फादर की डेथ हो गई और उसके बाद रिची अब रिचार्ड का ही जो है पेट नेम, छोटा जो है पेन नेम है उनका। तो ये है, कहते हैं कि मेरी होल लाइफ बन गया, मेरा बेटा जो है मेरी ज़िंदगी था। इस प्रकार जो है वो हर रोज़ अपना शाम को इवनिंग में डाइनिंग टेबल के ऊपर, दिन में चाहे कोई कितना भी बिजी रहे लेकिन रात का खाना वो हमेशा साथ ही खाते थे। इस प्रकार जो है वो अगर शाम के टाइम में कुछ करने के लिए नहीं होता था, कोई वर्क नहीं होता था, तो फिजिकल वर्क के सिवाय उसकी माँ उसके लिए लर्निंग थिंग्स की एक्टिविटीज़ को ढूंढती थी और उन लर्निंग एक्टिविटीज़ को वो लाइक भी करता था और उनको सीखना भी चाहता था। इट मीन्स जो एक्टिविटी उसकी माँ उसे एक्सप्लेन करती थी उनको वो इग्नोर नहीं करता था और उसमें वो इंटरेस्ट दिखाता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने उन सब चीज़ों को सीखा और बहुत ही ज़्यादा मीन्स उन पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, और उसने सभी स्कूल्स में स्कूल ग्रेड जो है वो अपर ग्रेड प्राप्त की, इट मीन्स अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, और जो डेली रूटीन के वर्क थे मीन्स डेली रूटीन की जो लाइफ थी उसकी माँ कहती है कि वो और बच्चों की तरह से ही एज यूजुअल थी, नॉर्मल थी। अब सेकंड ग्रेड के अंदर उसने क्या किया, जब वो सेकंड ग्रेड के अंदर था तो उसने उस समय आप ये देखो ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज़ को उसने कलेक्ट कर लिया था। एब्राइट इट मीन्स उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और जो भी होम टाउन में जो भी नियर बाय मीन्स उसे जितनी भी स्पीसीज मिली, जितनी भी जातियाँ प्रजातियाँ जो भी
बटरफ्लाईज की मिली, उसने उनको इकट्ठा किया। इट मीन्स इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये एक टेबल सी दी हुई है, इसमें बहुत सारी जो उन्होंने जो बटरफ्लाईज कलेक्ट की उनके नेम्स लिखे हुए हैं। That probably would have been the end of my butterflies. वो कह रहा है कि हो सकता है कि ये मेरी जो butterflies है जो मैं daily एकत्रित करता था उसका अंत हो जाता। अगर it means उसका interest धीरे धीरे, देखो एक चीज़ में interest तब develop होता है हमारा, उसके लिए ज़्यादा आगे हमें experiment करने को मिले या उसके लिए कुछ initiative मिले कि what is the benefit of this task, कि मेरा जो butterflies collect करने का इरादा है या जो मैं collect कर रहा हूँ उसका बेनिफिट क्या है, उसे कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा है, तो वो हो सकता है कह रहा है कि ये लास्ट टाइम हो और इससे आगे मैं कलेक्ट ना करूं। लेकिन उसी समय उसकी मदर जो है एक बुक लेकर आती है उसके लिए, है किसी बच्चे की, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। ये जो है ये इट इज़ ए नेम ऑफ बुक और मोनार्क इज़ द नेम ऑफ ए बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई का ही नेम है और ये बटरफ्लाई के ऊपर ही एक बुक है। और उसने बताया कि ये जो मोनार्क नाम की बटरफ्लाई है, मोनार्क तितली जो है वो माइग्रेट हो जाती है, मीन्स अपना प्लेस बदलती है टू सेंट्रल अमेरिका में, वहाँ पर वो चली जाती है। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, कि यहाँ से ये माइग्रेट हो जाती है अमेरिका में, और जहाँ यंग साइंटिस्ट हैं, यंग कलेक्टर हैं, वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो उसके माइंड में भी आता है कि यहाँ हमारी मोनार्क बटरफ्लाई है वो माइग्रेट होती है अमेरिका में और वहाँ जाकर लोग रिसर्च करते हैं, क्यों ना मैं यहाँ पर रिसर्च करूँ। ये सब चीज़ें जो हैं उसे बुक में पढ़ने से पता लगता है और धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट है वो कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाता है। अब लास्ट में क्या होता है कि जो एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाईज माइग्रेशन, कहता है कि और बुक जब सारी बुक उसने पढ़ ली है, बुक का हमारा क्या नेम है, द ट्रेवल्स ऑफ ए मोनार्क। अब बुक को पढ़ने के बाद लास्ट में लिखा हुआ है कि जो बटरफ्लाईज के मीन्स जो इसके फॉन्ड ऑफ हैं, जो इसको इस चीज़ों को पसंद करते हैं, तो वो इसके रिसर्च में मेरी हेल्प करें। तो देवर आज टू टैग, और उनसे कहा गया कि अगर यहाँ पर आपको बटरफ्लाई, मोनार्क बटरफ्लाई मिलती है तो उस पर टैग लगाएं। और वो ये सब चीज़ें किसने लिखी थी, उनके राइटर कौन थे, डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट, ये उर्कहार्ट उन्होंने लिखा था ये। अब राइट की माँ ने जो है डॉक्टर उर्कहार्ट की ये बुक है और उसने ये लिखा था कि आप बटरफ्लाईज को टैग लगाकर भेज सकते हैं कि ये इस डॉक्टर के, डॉक्टर उर्कहार्ट के एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये बटरफ्लाईज हैं जो टैग लगी हुई हैं उनके विंग्स के ऊपर, मोनास के विंग्स के ऊपर। और वो क्या करते कि जो जितनी भी मतलब उसे मिलती, जितनी भी एब्राइट को मिलती जो हैं, वो उन जो बटरफ्लाईज थी उनके पैरों के ऊपर जो स्ट्रिप्स को लगा देता, जो है छोटी छोटी स्ट्रिप्स लगा देता और उनके ऊपर लिखा होता कि दीज आर फॉर डॉक्टर उर्कहार्ट को भेजने के लिए हैं, उर्कहार्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ डॉक्टर उर्कहार्ट। इस प्रकार जो बटरफ्लाईज़ का कलेक्शन है, जो सीज़न है वो बर्थ मीन्स वो अकॉर्डिंग टू सीज़न, अब जो मेन सीज़न है वो लास्ट सिक्स वीक इन द लेट समर, लेट समर सीज़न के लास्ट सिक्स वीक जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब उस समय जो है वो बटरफ्लाईज़ को चेज करता है, उनका पीछा करता है और उनमें बहुत सारियों को जो है कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। जो नेक्स्ट स्टेप है एब्राइट का वो क्या है, अब एक एक बटरफ्लाई को कलेक्ट करना, पकड़ना बहुत इजी कंसेप्ट नहीं है, जिससे हम उसकी जो नंबर ऑफ बटरफ्लाईज है उसकी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब उसने फॉक ऑफ बटरफ्लाईज, इट मीन्स उनको ग्रुप में पकड़ना स्टार्ट किया। उसने क्या किया, सबसे पहले वो फीमेल मोनार्क को कैच करते, पकड़ता उसे, उसके जो हैं एग्स हैं और उनको बेसमेंट के अंदर जो उसके लाइफ साइकिल, जो लाइफ प्रोसेस उसको कंप्लीट करवाता और वहां से एग से क्या है कैटरपिलर निकलता, प्यूपा निकलता और उसके बाद जो है एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती।
इस प्रकार जो है वो एडल्ट बटरफ्लाई बनने के बाद वो मींस उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाता, उसके बाद जो बटरफ्लाईज हैं उनको टैग करता, उनके विंग्स के ऊपर टैग करता और उन्हें जाने की परमिशन देता, जिससे उसके मींस फॉर सेवरल ईयर्स बहुत सालों तक उसकी जो बेसमेंट है वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क, हज़ारों की संख्या में मोनार्क जो बटरफ्लाईज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप होती और वो उनको मींस जाने के लिए बाद में डॉक्टर उर्क्यूहार्ट के पास जो है भेजने के लिए उनको रेडी हो जाता। लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे उसने अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज़ करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो ये बहुत ही टीडियस टास्क था, बहुत ही ऐसा टास्क मीन्स एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, लंबे समय में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इसकी कोई फीडबैक भी नहीं है कि आप भेज रहे हैं वहाँ से। अगर कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो कि आप बहुत सारी मोनार्क जो हैं बटरफ्लाईज आप भेज रहे हैं, कोई मोटिवेट करता तो इस तरह का भी कोई टास्क नहीं था। तो एब्राइट जो है धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट को ख़त्म कर देता है। इन ऑल द टाइम्स आई डिड इट, वो कहता है कि मैंने पूरे समय तक उसमें मैंने ये किया, और वो हंसता है कि ओनली टू बटरफ्लाइज, वो कहता है कि जितने समय तक मैंने ये काम किया बटरफ्लाइज को पकड़ा और उनको भेजा, उस समय तक मैंने टू बटरफ्लाइज को जो है वो दोबारा से रिकैप्चर किया, मीन्स टैग लगी हुई बटरफ्लाइज मुझे वापस से मिली, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फॉर वेयर आई लिव्ड। इट मीन्स वो जो मोनार्क बटरफ्लाईज हैं वो कहता है कि जो भी पकड़ी गई जहाँ मैं रहता हूँ उससे वो 75 मील से अधिक दूरी पर नहीं गई थी। इट मीन्स वो वहीं ही सराउंडिंग्स वो माइग्रेट नहीं हुई थी, अगर वो माइग्रेट होती तो वो उसे नहीं मिलती। नाउ इन सेवन्थ ग्रेड में हैं, जब जो हमारे एब्राइट सेवन्थ ग्रेड में है तो उन्हें इंडिकेशन मिला कि रियल साइंस क्या है, और उन्होंने कंट्री ऑफ साइंस जो फेयर हैं जो मेले लगते हैं उनमें इंटरेस्ट क्रिएट हुआ उनका और उनमें भाग लेना स्टार्ट किया। वहाँ उसमें जाना, मेले में जाना और रियली सभी लोगों को देखना कि, और जो एब्राइट है उसके पास एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी नहीं था और बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हैं बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उसकी जो एंट्री थी वो उसने स्लाइड्स प्रिपेयर की थी ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़ की, फ्रॉग टिश्यू की स्लाइड्स जो हैं, और उनको शो कर रहा था अंडर ए माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने उसको शो किया। लेकिन इस जो एक्सपेरिमेंट से है उसको ज़्यादा कुछ वहाँ पर जो है मीन्स लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा प्राप्त नहीं हुआ, और उसने वहाँ पर जाके रियलाइज़ किया कि लोग वास्तव में जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल और रियल चीज़ों को जो है रियल एक्सपेरिमेंट्स को कर रहे हैं। अब उसने डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट टाइम, एब्राइट ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो नेक्स्ट ईयर फेयर में जब भी अपीयर होगा तो वो एक रियल एक्सपेरिमेंट करेगा, और वो रियल एक्सपेरिमेंट जो है वो इंसेक्ट्स के ऊपर होगा जो बहुत सेवरल ईयर से वो उनके ऊपर रिसर्च कर रहा है। अब सेवरल ईयर से तो वो किसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, बटरफ्लाईज़ के ऊपर, बटरफ्लाईज़ को कलेक्ट कर रहा है, तो वो अब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। अब इसके लिए वो डॉक्टर जो हैं डॉक्टर उर्क्यूहार्ट हैं उनके पास उनको लिखता है, लेटर लिखता है, उनसे आइडियाज़ कलेक्ट करता है कि किस तरह से वो एक्सपेरिमेंट बटरफ्लाईज के ऊपर कर सकता है। जब वो स्कूल में है तो वो बहुत सारे मीन्स छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करता है इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और उनमें प्राइजेस भी उसे मिलते हैं। जब वो एट्थ ग्रेड में होता है, एट्थ ग्रेड में उसे जो है रीज़न प्राप्त होता है, मीन्स वो रीज़न सबसे पहले तो उसको प्राप्त तो बाद में होता है, मिलता तो बाद में है, लेकिन सबसे पहले वो जो है क्रिएट करता है, उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जो छोटे छोटे कीटाणु हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं, वो किस तरह से जो है वायरल डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं और किस तरह से वो जो मोनार्क है कैटरपिलर है उसको मारते हैं, किस तरह से उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो सबसे पहले वो रीज़न निकालता है, वो सोचता है कि ये बीटल के द्वारा क्रिएट किया जाता है, तो वो बीटल के साथ ही कैटरपिलर्स को वहाँ पे ही उसको दोनों का एक साथ ही एक्सपेरिमेंट करता है और दोनों को एक साथ ही मीन्स
रख के दोनों को पालना शुरू कर देता है, जिससे उसको जो है सही परिणाम उसके प्राप्त नहीं होते हैं, रिजल्ट उसको अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ ये दिखाने की कोशिश करता है कि एटलीस्ट उसने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो अब की बार जीत गया है और उसने एक्सपेरिमेंट किया है। नेक्स्ट ईयर जब वो साइंस फेयर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करता है तो उसने एक डिफरेंट थ्योरी के ऊपर टेस्टिंग करने का विचार किया, और वो टेस्टिंग थी कि किस तरह से वॉयसराय जो बटरफ्लाइज हैं वो कॉपी हैं मोनार्क की, मोनार्क बटरफ्लाई की वो कॉपी हैं, इट मीन्स दोनों सेम रिजेम्बलेंस करती हैं। अगर अब जब सभी जो और अदर बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो वॉयसराय को जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वॉयसराय जो बटरफ्लाई है उसके लिए ज़्यादा बेटर है कि वो लुक लाइक लगे मोनार्क की तरह से, और जिससे बहुत ज़्यादा बर्ड्स का वो डिनर ना बने, बहुत ज़्यादा बर्ड्स जो है उसको ना खाएं। इस प्रकार जो है एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड, मीन्स उसका प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट था कि वो जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को खाते हैं या नहीं खाते हैं, ज़्यादा वॉयसराय को खाते हैं, किस तरह से, मीन्स एक ऑर्डनरी बर्ड फूड है ये, एक साधारण जो है नॉर्मली बर्ड्स खाते हैं। इस प्रकार उसके बाद जो है उसने एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, जो जियोलॉजी के जियोलॉजी डिवीज़न के ऊपर जो थर्ड मीन्स उसने ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो भी साइंस फेयर हुआ इसमें इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर उसे थर्ड पोजीशन प्राप्त हुई। इट मीन्स उसने कंपैरिजन किया कि कैसे वॉयसराय जो बटरफ्लाइज हैं और मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो रिजेंबल करती हैं, इट मीन्स वो देखने में उनका अपीयरेंस जो है जो लुक है वो सेम है। इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, हाई स्कूल में सेकेंड ईयर में मीन्स अब सेकेंड ईयर में हो गया है, सेकेंड हाई स्कूल में दूसरे साल में अब एब्राइट ने शुरू किया बहुत सारे इंसेक्ट्स के हार्मोन के ऊपर डिस्कवर करना, उनके ऊपर खोज करना। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यही एक मेन थ्योरी थी जो उसने जिसका उसने रिसर्च किया। अब वो थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ ए सेल्स। इसके बाद जो है उनका पर्पस था कि यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन मेन जो उसके माइंड में क्वेश्चन था, पर्पस था कि जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं मोनार्क के प्यूपा के ऊपर वो किस लिए होते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उसको ऐसे ही मानते हैं कि ये तो सिर्फ ऑर्नामेंटल हैं, ये सिर्फ बटरफ्लाई के लिए ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं, लेकिन जो डॉक्टर उर्कहार्ट हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं और वो बिलीव करते हैं नहीं करते हैं कि ये सिर्फ जो है सजावट के लिए हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि सबसे पहले तो इस तरह से एक डिवाइस को मीन्स बिल्ड किया, बनाया, जिससे वो ये दिखा सके कि ये जो स्पॉट्स हैं ये स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, जो उसके ऊपर पैचेज हैं धब्बे होते हैं बटरफ्लाई के ऊपर, वो जो हैं हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और बटरफ्लाई को फुली डेवलप होने में उसकी हेल्प करते हैं। तो ये जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है उसे फर्स्ट प्लेस प्राप्त होता है, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त होती है कंट्री फेयर में, और इस प्रकार वो इंटरनेशनल साइंस फेयर और इंजीनियरिंग फेयर में उसकी एंट्री हो जाती है, और वहाँ उसे थर्ड प्लेस मिलता है जियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से। उसे बहुत सारा मीन्स समर में एक और भी चांस उसे प्राप्त हो जाता है कि इस वजह से कि समर सीज़न में जो वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट है ऑफ रिसर्च उसमें वहाँ रिसर्च करने का जो है अवसर उसे मौका उसे मिल जाता है। इस प्रकार क्या होता है मीन्स धीरे धीरे उसके लिए स्कोप जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। अब हाई स्कूल जूनियर में हो गया है, हाई स्कूल जूनियर में वो कंटिन्यू करता है अपने एक्सपेरिमेंट्स को मोनार्क प्यूपा के ऊपर, और वो इसी प्रकार जो है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस उसे मिलती है इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर, और उसे चांस मिलता है और भी अदर जो है लेबोरेटरी में काम करने के लिए। जो अब सीनियर हो गया है, सीनियर ईयर में मीन्स बहुत ही लास्ट ईयर में जो है जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसकी सेल्स के ऊपर काम करने की कोशिश करता है कि कैसे उसकी विंग्स जो हैं वो डिवाइड हैं सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क विंग, कैसे ग्रो होती हैं सेल, कैसे ग्रो होती हैं मोनार्क की विंग्स से, तो इसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करता है। इस प्रकार जो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले तो वो ये एक्सपेरिमेंट करता है कि जो
गोल्डन पैचेस हैं, ये किस तरह से इनके अंदर से जो है हार्मोन्स डिस्पोज होता है, हार्मोन्स का कैसे स्त्राव होता है, कैसे निकलता है। तो इस तरह से उसने इस एक्सपेरिमेंट के लिए इंटरनेशनल फेयर में जो है फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। इंटरनेशनल जियोलॉजी में, इंटरनेशनल में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करने के बाद जो है उसने बहुत सारे, एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी एक्सपेरिमेंट किया, आर्मी लेबोरेटरी में भी एक्सपेरिमेंट किया, मीन्स जगह जगह उसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल गया। तो नेक्स्ट ईयर उसे क्या होता है, नेक्स्ट ईयर मीन्स हर साल जो है वो अपना एक अलग तरीके से, एक बहुत सारे अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंट्स की, हार्मोन्स की, केमिकल स्ट्रक्चर्स की, उनके रिएक्शन, अलग इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो इस तरह से वो मीन्स उसने अपना जो है मेहनत करना नहीं छोड़ा और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है। इसके बाद जो है वो जूनियर ईयर में एक बार फिर उसके माइंड में ये आइडिया आता है कि क्यों ना इसी थ्योरी के ऊपर, न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ के ऊपर ही बहुत अच्छे से काम किया जाए। फिर उसके बाद वो इस केमिकल स्ट्रक्चर्स की फ़ोटोज़ लेता है, वहाँ पर जो भी मींस एक्सरे जो हैं उनकी फ़ोटोज़ लेता है, उस स्ट्रक्चर की, हार्मोन्स की फ़ोटोज़ लेता है और उनके ऊपर स्टडी करने के लिए सोचता है। जब वो उन फ़ोटोज़ को देखता है तो वो उसे ये नहीं लगता, उसमें से वो सब चीज़ों को फाइंड आउट कर लेता है और उसे बहुत ज़्यादा, वो चिल्लाता नहीं है, एकदम से ये नहीं चिल्लाता कि भाई मैंने पा लिया या मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, इस तरह से कुछ भी वो है। यहाँ उसको जो है हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल गया है। जब उसने उन फ़ोटोज़ को, एक्सरेज फ़ोटोज़ को का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो हार्मोन्स का, उसको स्टडी किया तो उसे सब चीज़ों का सॉल्यूशन मिल गया और उन्होंने सेल की जो थ्योरी है उसको टर्मिनेट किया। यहाँ पर जो है उसको ये विश्वास हो गया कि किस तरह से जो है जो हमारे जो तस्वीरें हैं, जो फ़ोटोज़ हैं, जो सेल्स की फ़ोटोज़ हैं, वो अपने डीएनए को कैसे पढ़ सकती हैं। जो डीएनए की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो जो सेंटर का जो द्रव्य है, इट मीन्स वो हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं और ये जो कोशिकाएं हैं ये निश्चित रूप से ही अपना काम करती हैं। इट मीन्स ये है कि डीएनए एक जो है, हम ये कह सकते हैं कि लाइफ साइकिल की पिक्चर है, लाइफ साइकिल की जो एक ब्लूप्रिंट हम इसको कह सकते हैं सब्सटेंस को। तो यहाँ जो है एक उसने उसके डीएनए की जो रिपोर्ट है, डीएनए का जो मीन्स उसके बारे में सेल से जो उसका लिंक है, उसके बारे में वो यहाँ पर इन फ़ोटोज़ के थ्रू जो है डॉक्टर स्टडी करता है। एब्राइट जो उसके कलीग्स हैं, जो उसके साथी हैं, वो सभी मिलकर जो हैं कोशिश करते हैं इनको, इसको फाइंड आउट करने की, सर्च करने की। जेम्स जो है, जेम्स आर रोंग, ये उनके टीचर हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और उनको इतना मोटिवेट करते हैं कि वो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करके एक पेपर के ऊपर भी राइट डाउन करते हैं कि किस तरह से ये जो थ्योरी है सेल लाइफ है, इसको वो पब्लिश भी करते हैं। इस थ्योरी को जो है वो पब्लिश करने के बाद उन्होंने समझा कि ये जो प्रोसेस है ये उनके लिए एक बिग स्टेप है, ये एक बहुत ही बड़ा, एक हाईएस्ट ऑनर है उनके लिए। और इस प्रकार एब्राइट जो है ये बहुत ही ज़्यादा मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक ग्रेजुएट की तरह से एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट जो है अपने प्रिंसिपल्स पर काम करने वाला, और उसने अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया, अपने एक्सपेरिमेंट्स को, अपनी थ्योरीज के ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया। वो इस थ्योरी को प्रूव करता है, करेक्टली प्रूव करता है कि ये जो थ्योरी है, ये जो लाइफ साइकिल है, ये जो सेल का प्रोसेस है, ये बिल्कुल राइट है, उसको जो है वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के साथ सभी के सामने जो है शो करता है। और बाद में भी वो हाई स्कूल में भी जब होता है तो वो उसका जो पर्पज है, मीन मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो स्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करता रहता है, और वो कहता है कि अगर मैं इन पैचेस के बारे में एक्सपेरिमेंट नहीं करता, ये पैचेस एक्सपेरिमेंट ही लेड हिम टू इज द थ्योरी अबाउट द सेल लाइफ, ये जो पैचेस का एक्सपेरिमेंट मैंने किया तो मैं सेल थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ सेल है उसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मीन्स ये जो क्रेडिट है ये, वो कहता है कि अगर मैं पैचेस को एक्सपेरिमेंट नहीं करता तो मैं उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था।
इस प्रकार जो स्टार्टिंग उसकी कहाँ से हुई अभी ये है इस लेसन में बेटा, मैं ब्रीफ में थोड़ा बता देती हूँ कि जो बटरफ्लाइज हैं उनको इकट्ठा करना उसने शुरू किया और इतना मतलब गहन रुचि उसने ली, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा उसकी प्रतिभा जो है उसका जो टैलेंट है वो डेवलप हो गया है और उसने बहुत सारे वो इतना परफेक्ट मतलब बन गया है, आप कह सकते हैं ऑलराउंडर बन गया है कि वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर बन गया है। पर्टिकुलरली नेचर और साइंटिफिक एग्जीबिशन जो हैं, साइंस विज्ञान की जो प्रदर्शनियां हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से वो फोटोज लेता है। अब उसने जो है रिचर्ड एब्राइट ने फर्स्ट ग्रेड में ही पहली क्लास में ही उसने क्या है ये चीज़ें बहुत सी सीख ली थी कि किस तरह से जो है उसके अंदर बहुत सारी जो है एनर्जी थी, उसने जो है डिबेट करना सीख लिया और बहुत सारे जो है नेशनल क्लब्स में उसने पार्टिसिपेट्स भी किया। इस प्रकार जो उसके एक एसएस के टीचर थे, सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, जो उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि और उससे बहुत ज़्यादा उसको मीन्स सीखने को भी उसे मिला। इसके बाद क्या होता है कि जो ये साइंस के टीचर हैं ये मिस्टर वियरर, इनका नाम है मिस्टर वियरर, ये इतने उन्हें इतना मोटिवेट करते हैं, हर जगह उनकी सराहना करते हैं कि वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि जो रिचर्ड है वो 3 से 4 घंटे जो है डिबेट के में मींस जो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो समय लगाता है उसके ऊपर डिबेट करता है और इसके अलावा जो है वो तितलियों के ऊपर मींस बटरफ्लाइज के ऊपर और अदर इंटरेस्ट के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स करता है। वो कहता है कि रिचर्ड एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही मीन्स ज़्यादा देखो कॉम्पिटिटिव वो होगा जो अपने टारगेट को बहुत अच्छे से करता है, उसके ऊपर टाइम लगाता है। वो कहता है वो कॉम्पिटिटिव वो बुरे नज़रिए से नहीं है, वो क्या है वो तो सिर्फ ये नहीं है कि मुझे जीतना है, जीतने के लिए और प्राइज़ लेने के लिए गिफ्ट लेने के लिए वो ये सब काम नहीं करता है, वो ये जो उत्तम काम जो बेस्ट काम करता है वो जो है वो बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स के लिए नई खोज के लिए करता है, राइट रीज़न की वजह से वो राइट वर्क करना चाहता था। इस प्रकार जो है वो एक बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक हो जाता है और उसने जो वैज्ञानिक बनने वो कहता है कि एक वैज्ञानिक में जो उनका एसएस टीचर है वो कहता है कि वैज्ञानिक बनने के लिए क्या क्या चाहिए और वो सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो एब्राइट के अंदर हैं, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ये देखो बेटा हमारे टॉपिक का नेम है मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट बनने के लिए देखो कोई भी चीज़ बनने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। वो कहता है कि इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंस में क्या चाहिए, स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, कि स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड इट मीन्स एक बहुत ही सर्वोच्च मन से शुरू करे कोई भी काम, मीन्स अच्छे मन से, क्यूरियोसिटी हो उसके अंदर, जिज्ञासा हो, एंड मिक्स इन द विन टू विन फॉर द राइट रीजन, और जीतने की इच्छा हो लेकिन अच्छे रीजन के लिए, किसी बुरी भावना से नहीं, किसी को हराने के लिए नहीं लेकिन कुछ अच्छा दिखाने के लिए। और अब्राइट हैज़ ऑल दीज क्वालिटीज़, और अब्राइट के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, फ्रॉम द टाइम द बुक, और किस समय से, जिस समय उसे द ट्रेवल ऑफ मोनार्क जब वो बुक प्राप्त हुई, ये उस बुक से मीन्स वहाँ से ये सारी क्वालिटीज़ उसमें डेवलप हुई और ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और इस बुक ने उसके लिए साइंस का जो है संसार के दरवाजे खोल दिए। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट इज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड ने अपनी कभी भी विज्ञान के प्रति जो क्यूरियोसिटी जो जिज्ञासा थी वो नहीं खोई। इट मीन्स ये देखो बेटा वो साइंटिस्ट कैसे बना, अब्राइट साइंटिस्ट कैसे बना, वो मीन्स फर्स्ट स्टेप से लेकर स्टार्टिंग से लेकर मीन्स लास्ट तक उसने एक्सपेरिमेंट ही एक्सपेरिमेंट किए। अगर वो एक्सपेरिमेंट करना छोड़ देता तो कैसे वो जो सेल का लाइफ साइकिल है उसको किस तरह से जो है खोजता, किस तरह से उस मुकाम तक पहुंचता। सो हमें कुछ भी करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखना जो है, हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है, लेसन मिलता है कि उसे हमें कंटिन्यूटी में करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट दिस चैप्टर।